हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपेट डिस्कशन सेंटर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसा लग रहा है ये फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज, कमेंट करके आंसर करते जाइए। जी हाँ, आई होप बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है आपके लिए ये फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज़, क्योंकि यहाँ पर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है, जहाँ पर हम आपको सारे सब्जेक्ट में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ प्रैक्टिस MCQ आपसे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके फार्मासिस्ट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिल रही होगी। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम स्टडी कर रहे थे फार्माकोग्नोसी, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है, एल्केलॉइड्स को भी कंप्लीट कर लिया है एंड ग्लाइकोसाइड का पार्ट वन भी हमने स्टडी कर लिया है। किया है कि नहीं कमेंट करते जाइए यस और नो में। जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे उन्होंने सारा वीडियो देखा होगा, है ना, और जो नए होंगे उनको ज़रूर से सारे वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से ट्रिक्स एंड निमोनिक्स के साथ सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो यदि आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स जाननी है, निमोनिक्स जाननी है, तो सारी वीडियो पहले से आप देख लें और साथ ही साथ सारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी सर्कुलेट करते जाइए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो चलते हैं, आज स्टडी करने वाले हैं ग्लाइकोसाइड का पार्ट टू, जहाँ पर हम पहले तो कुछ स्टडी कर ही चुके हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने स्टडी किया था, यस और नो कमेंट करते जाइए, किया था ना। ग्लाइकोसाइड पार्ट वन में हमने इंट्रोडक्शन को कम्प्लीटली स्टडी किया और उनके क्लासिफिकेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स को भी स्टडी किया था, वो भी ट्रिक के हेल्प से, जिनको अभी मैं क्वेश्चन पूछते जाऊंगी, यदि वो रिपीटेशन में आता है वो क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो ट्रिक आपको बतलाना है अब, ठीक है। उस दिन मैंने आपको ट्रिक बतलाया था, अभी आपको कमेंट करके ट्रिक सारे रिवाइज करना है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट टू में जा रहे हैं ग्लाइकोसाइड के, जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स बचे हुए हैं उनको तो डिस्कस करेंगे ही और साथ ही साथ रिविजन भी हो जाएगा सारे ग्लाइकोसाइड का, जो भी हमने ट्रिक वगैरह देखा है। ओके, तो चलते हैं सेकेंड पार्ट में, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन मिल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिजिटलिस इज यूज्ड फॉर, डिजिटलिस का यूज पूछा गया है। देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है, कार्डियोटॉनिक, एंटीडेप्रेसिव, एंटी डायबिटिक, विटामिन। तो कमेंट करते जाइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हमने पहले डिस्कस किया है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, डिजिटलिस के लिए ट्रिक्स एंड निमोनिक्स देखी थी। तो जिनको भी वो ट्रिक याद हो, पुराने बच्चे जरूर से उनको कमेंट करते जाएं, ठीक है, और जो नए होंगे उनको जाकर वो वीडियो जरूर से देख लेना है, बहुत अच्छी अच्छी उसमें ट्रिक बतलाई गई है। तो यदि हम लोग बात करें, मैंने क्या बताया था आपको, डिजिटली से आपको क्या याद रखना है, दिल को याद रखना है, और दिल को हम फार्माकोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, किसी को याद है क्या कहते हैं, कार्डियक, ठीक है, क्या कहा जाता है दिल को, कार्डियक कहा जाता है भाई। अब ये जो डिजिटलिस है वो कहाँ पर एक्ट करता है, हार्ट पर, दिल पर एक्ट करता है, कार्डियोटॉनिक की तरह ये यूजफुल आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कार्डियोटॉनिक। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आया था राजस्थान में 2012 में। ओके, डिजिटलिस देख लीजिए, इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, इनकी लिप्स का हम लोग यूज करते हैं, है ना, और ये कार्डियोटॉनिक की तरह बेसिकली यूजफुल होता है CHF के कंडीशन में। नेक्स्ट है एस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फाउंड इन, एस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कौन से ड्रग में पाया जाता है, ऑप्शन देख लीजिए, अर्ब्यूटीन, सिनिग्रीन, एलोइन एंड इंडिसिन। तो देखिए हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, कार्डियक लिंकेज, ठीक है, एक होता है ए ग्लाइकॉन पार्ट और एक होता है ग्लाइकॉन पार्ट, दोनों से मिलकर बनते हैं ग्लाइकोसाइड। अब इनके बीच में जो बॉन्ड है उसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, है ना, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में स्टडी किया। अब देखिए बेसिकली चार टाइप से होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसके लिए हमने ट्रिक भी स्टडी किया था, तो आपको अब वो ट्रिक बतलाना है, क्या क्या ट्रिक हमने स्टडी किया है, मीन्स ये देखिए सारी ट्रिक को रिवाइज यहाँ पर करना है सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, एस फॉर क्या याद रखा था हमने, एस फॉर सिनिग्रीन को याद रखा था कि नहीं, जो कि कहाँ से ऑप्टेन होता है, कहाँ पर पाया जाता है सिनिग्रीन, कमेंट करते जाइए, किस में प्रेजेंट होता है, ब्लैक मस्टर्ड, ठीक है, सरसों में प्रेजेंट होता है सिनिग्रीन, और यही सिनिग्रीन क्या है, एस ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग देख लेते हैं, चार टाइप के हमने देखा था, सी ग्लाइकोसाइड जिसके एग्जांपल को हमने कैसे याद रखा था, क्या ट्रिक लगाया था भाई, याद करेंगे ACC सीमेंट वाला ट्रिक, याद आया, ए फॉर आपको एलो याद रखना था, सी से कैस्करा, सी से कॉक्निअल और सी से आपको सी ग्लाइकोसाइड्स के एग्जांपल है, ये याद रखना था कि नहीं, जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करना है। ओ ग्लाइकोसाइड की यदि बात करें तो ओ ग्लाइकोसाइड में आपको क्या ट्रिक दिया था मैंने, ओ आर एस खुलकर ट्रिक दिया था, ओ फॉर ओ ग्लाइकोसाइड, आर फॉर रुबाब एंड एस फॉर सेना को याद रखना है, कहा था, ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। एस ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एस फॉर सिनीग्रीन, आपको याद रखना था, जो कि ब्लैक मस्टर्ड में पाया जाता है। ओके, फिर आते हैं एन ग्लाइकोसाइड। तो एन एन फॉर आपको क्या याद रखना था? न्यूक्लियोसाइड्स को याद रखना था। तो ऐसे ट्रिक्स को आपको नोट डाउन करके रखना है, मैंने कहा था, और ये सारी ट्रिक को आपको रिवाइज करते जाना है। मैं नहीं बतलाती जाऊंगी बार बार, आपको भी ये सारी चीज़ें कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट क्लासिफाइड एज सीड, इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि सीड क्लास नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, नक्सोमिका, डिजिटलिस, इसबगोल, नटमैग। क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन, यदि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इमेज देख लिया होगा, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में इमेज देख लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको इजीली था, बहुत इजी से बन जाएगा। कौन सा होगा जो कि सीड नहीं है? अब नक्सोमिका की बात करेंगे तो आपने एल्कोलाइड में देखा है, नक्सोमिका को हमने स्टडी किया था, उसका हम सीड पार्ट तो यूज करते हैं। डिजिटलिस की बात करें, ऑप्शन बी में दिया गया है डिजिटलिस, तो इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं भाई, कमेंट करते जाइए, डिजिटलिस का कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो हम करते हैं उसका लीफ पार्ट, वेरी गुड, ठीक है, लीफ पार्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सीड नहीं है, तो अब तो बचा ये डिजिटलिस जो कि सीड नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। मेनली हम लोग जब इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में स्टडी किया, है ना। वहाँ पे आपने ऑर्गेनाइज ड्रग में एक टेबल देखा होगा कि कौन से ड्रग का कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, जैसे सिंकोना हो गया, इनका हम लोग बार्क यूज़ करते हैं, और जो सेन्ना है, डिजिटलिस है, इन सारे का लीफ यूज़ करते हैं, करते हैं कि नहीं, सैंडलवुड, ठीक है, चंदन की लकड़ी यूज़ करते हैं, क्वाजिया हो गया, इसका वुड यूज़ करते हैं। फ्रूट की बात करेंगे तो जैसे कि कारावे है ना, कोरिएंडर है, इन सारे का फ्रूट पार्ट यूज़ करते हैं। तो मीन्स आपको साथ ही साथ जब आप बायोलॉजिकल सोर्स स्टडी करते हैं, उस टाइम आपको पार्ट भी कौन सा यूज़ करना है, ये भी आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट, सारे प्लांट में वो कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट में, प्लांट के कुछ स्पेसिफिक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल कॉन्स्टेंट, इसीलिए आपको पार्ट को भी याद में रखना होगा। नेक्स्ट चलेंगे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोसेस बेसिक न्यूक्लियस ऑफ, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो हम लोग स्टडी कर रहे थे अभी तक, जैसे कि डिजिटलिस, उसमें कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये पूछा गया है, कमेंट करते जाइए, ये तो पता ही होगा, हमने कई बार स्टडी किया प्रीवियस जो आपके वीडियो में, आंसर करते जाएंगे, देख लेते हैं क्या क्या है ऑप्शन में, ट्रोपेन, ट्राइटरपेन, क्विनोलिन, साइक्लोपेंटेनो, फिनांथरिन रिंग, क्या होगा, कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड में? स्टेरॉयडल रिंग बोला था, स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट होता है, और स्टेरॉयडल रिंग को क्या कहा जाता है, ये मैंने कई बार आपको बतलाया है, इसको हम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथरिन रिंग कहते हैं। आपको स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखलाया था, देख लीजिए, इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमने कार्डियक ग्लाइकोसाइड में दिखलाया था, ये क्या होता है, यही आपका स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, जितने भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, इसी को कहा जाता है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथरिन रिंग, इसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एन एग्जाम्पल फॉर एन एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एंथ्रासीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें, जैसे कि अभी आपने देखा कार्डियक ग्लाइकोसाइड में जो आपके स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होते हैं, अब एंथ्रासीन न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, परफ्यूरिया ग्लाइकोसाइड, डायोजेनिन, कैथारिडिन, ठीक है, और सेनोसाइड। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भाई, यदि हम लोग परफ्यूरिया ग्लाइकोसाइड की बात करते हैं तो कमेंट करते जाइएगा इसमें कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्या होता है ये, क्या हो गया, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड किस में प्रेजेंट होगा, याद करिए, डिजिटलिस में प्रेजेंट हुआ, और डिजिटलिस में क्या प्रेजेंट होता है, ये तो अभी जस्ट हमने स्टडी किया, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है भाई, है ना। और यदि अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन जो कि है डायोजेनिन, तो डायोजेनिन में भी क्या प्रेजेंट होता है, ये क्या होते हैं, सेपोनिन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड है, जो कि स्टेरॉयडल सेपोनिन की कैटेगरी में आते हैं, है ना, स्टेरॉयडल सेपोनिन, मीन्स इसमें भी स्टेरॉयड मॉइटी हो गया, ठीक है। कैथेरिडीन, तो ये क्या होता है, ये होता है इंडोल मॉइटी, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इंडोल मॉइटी प्रेजेंट होता है भाई। तो बचा क्या हमारा, बचा हमारा सेनोसाइड, मीन्स सेन्ना, ठीक है, सेन्ना में क्या प्रेजेंट होता है, सेनोसाइड, जहाँ पर एंथ्रासीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एंथ्रासीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है इनके लैक्सेटिव एक्शन के लिए। देखिए इस प्रकार से सेनोसाइड में एंथ्रासीन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें,
स्टोमा अराउंड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स रिसेम्बलिंग अदर एपिडर्मल सेल्स इज प्रेजेंट इन. ठीक है, क्या पूछा गया है, देखिए स्टोमाटा से मेनली क्वेश्चन पूछा गया है जो हमने इंट्रोडक्शन से स्टडी किया. एल्कोलाइड में भी स्टोमाटा के बारे में स्टडी किया, ग्लाइकोसाइड्स में भी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था. बट बेसिकली उसमें क्या पूछ दिया जाता था कि एनिमोसाइटिक स्टोमाटा किस में प्रेजेंट है, एनिसोसाइटिक किस में प्रेजेंट है. अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, क्या क्या बोला गया है, देखिए स्टोमा सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल. जो आपका स्टोमा है, ठीक है, वो क्या है, बहुत सारे जो सब्सिडरी सेल है उससे सराउंडेड है, वेरिंग नंबर ऑफ. ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इररेगुलर है. और ओके, ये जो सब्सिडरी सेल है वो क्या है, इररेगुलर है ना, एक जैसा थोड़ी ना है, सारे का जो सेप है वो एक दूसरे के जैसा थोड़ी रहे नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, इररेगुलर सेल्ड स्टोमाटा. और इररेगुलर सेल्ड स्टोमाटा किसको कहते हैं हम लोग, याद करिए क्या नाम बताया था, रैननकुलेशियस. इसी को क्या कहा जाता है, रैननकुलेशियस स्टोमाटा कहते हैं. एनिमोसाइटिक स्टोमाटा भी इसी को कहा जाता है. अब आपको ईजी पड़ गया होगा ये क्वेश्चन को आंसर करना, याद करिए. इसके लिए हमने बुच्चू वाला हमने ट्रिक भी देखा था, बुच्चू लाइक डिजिटल ओपो फोन है ना, डिस्कार्ड नेमो, ये सारे ट्रिक हमने देखे थे. नहीं याद होगा तो फिर से आप लोग जाकर देख लें इन्हें. ठीक है, तो यहां पे देख लिए. अब तो आपको आंसर इजीली से पता चल गया होगा कि क्या होगा. तो ऑप्शन से जैसे कि डिजिटलिस, सन्ना, धतूरा एंड पिपरमिंट, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, डिजिटलिस है ना, क्योंकि ये ट्रिक हमने जो देखा था. देख लीजिए एनिमोसाइटिक जिसको रैननकुलेशियस कहते हैं, यही पूछा गया था ना, वेरिंग नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल. ठीक है, इररेगुलर जो सेप हो, तो इसमें है बुच्चू, डिजिटलिस, लोबेलिया, ठीक है, ओपियम, तो ओपो से आपको क्या रखना था, ओपियम, डिजिटल से आपको डिजिटलिस याद रखना था. ये सारी ट्रिक हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी ही. नेक्स्ट चलेंगे, प्लांट स्टेरॉयड यूज एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सिंथेसिस के लिए ऐसा कौन सा प्लांट स्टेरॉइड्स है, ये पूछा गया है. ऑप्शंस है सोलानिन, डायोजेनिन, सोलानिडिन, वेराट्रिडिन. क्या होगा करेक्ट आंसर भाई, ऐसा कौन सा प्रिकर्सर है जो कि यूज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सिंथेसिस में. तो आप याद करिए हमने क्या पढ़ा था, डाइस्कोरिया पढ़ा था, जिसको यूज किया जाता था, सेक्स स्टेरॉइड्स हो गए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इनके सिंथेसिस के लिए इनको यूज़ किया जाता था. साथ ही साथ रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी इनको यूज़ किया जाता था. ठीक है, जो कि डायोजेनिन जिसमें प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो यही जो डायोजेनिन है वो यूज़फुल होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, सेक्स हार्मोन है और कॉन्ट्रासेप्टिव है, इनके प्रिकर्सर की तरह ये यूज में आता है. ठीक है, ये जो आपका टर्म है जिसको हम याम कहते हैं, याद करिए, जिनका हम कंद को यूज करते हैं, हमने बताया था ना, जो याम जिसको जिमीकंद जैसा इसका फ्रूट रहता है. ठीक है, और ये मेनली जो याम इसको हम लोग कहते हैं और ये सिंथेसिस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन, कॉन्ट्रासेप्टिव के और साथ साथ रूमेटाइड आर्थराइटिस के में भी यूजफुल होता है. डायस्कोरिया डेल्टॉइडी इसका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स है डायस्कोरिसिस की फैमिली. तो डायस्कोरिया नाम भी है इसका, बायोलॉजिकल नेम भी क्या है, सिमिलर है, तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा. नेक्स्ट चले, नाइट्रस एसिड टेस्ट रिजल्ट आर ड्यू टू. नाइट्रस एसिड टेस्ट किस में आपने स्टडी किया था, याद करेंगे किस में स्टडी किया था नाइट्रस एसिड टेस्ट को, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं. कमेंट करते जाइए जल्दी से क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर. बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है ट्रिक के साथ, याद करते जाइए बस आप. ठीक है, एलोइमोडिन, एराबिनोस, एलोसिन एंड आइसोबार्बालोइन क्या होना चाहिए. नाइट्रस एसिड है उसको किसके लिए किया जाता है, तो मेनली ये होता है किसके लिए, एलो के लिए. ठीक है, एलोवेरा के लिए टेस्ट किया जाता है. अब एलोवेरा के कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट को के लिए बेसिकली किया जाता है, तो वो है आइसोबार्बालोइन. ठीक है, आइसोबार्बालोइन के लिए इनको मेनली किया जाता है. और एक टेस्ट ऐसा है जहां पर हम लोग आइसोबार्बालोइन का यूज करते, मतलब कि डिटेक्शन करते हैं, कौन सा ऐसा टेस्ट है, कमेंट करिए, कमेंट करते चाहिए. ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी, बहुत अच्छे. क्लंक्स आइसोबार्बालोइन टेस्ट, जिसको क्यूप्रोलोइन टेस्ट भी कहते हैं. स्टार मार्क लगाइए इसको भाई, स्टार मार्क लगाइए. क्लंक्स रिएजेंट भी पूछ लिया जाता है. ठीक है, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 90% एल्कोहल, तो इसको आप लोग स्टार मार्क लगा कर ध्यान रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है. अभी पूछा गया जैसे कि नाइट्रस एसिड टेस्ट जो कि आइसोबार्बालोइन के लिए होता है, और ये भी क्लंक्स आइसोबार्बालोइन भी इसी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये टेस्ट आइसोबार्बालोइन के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलें, ये दोनों टेस्ट आपको ध्यान में रखना है.
रुबाब बिलोंग टू द फैमिली ऑफ, रुबाब कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ऑप्शंस है रेमनेसी, पॉलीगोनेसी, रोजेसी, कॉम्बेरिटेसी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रेमनेसी फैमिली से कौन सा ड्रग बिलोंग करता है ये बताते जाइए, पॉलीगोनेसी फैमिली से, रोजेसी, कॉम्बेरिटेसी, सबका हमने एग्जांपल आपको बतलाया है, कमेंट करते जाइए। बस फास्टली आपको क्या करना है, रिवाइज करते जाना है, ठीक है। रुबाब का यदि बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवांड चीनी, इसको आप लोग क्या करें, फिर से स्टार मार्क लगाइए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिवांड चीनी कहा जाता है, इसका सिनोनिम भी पूछ लिया जाता है, ओके। अब इसको रियम इमोडी एंड रियम पालमेटम, इसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, रियम इमोडी एंड रियम पालमेटम, इसको आप लोग को ट्रिक आप चलिए, अब आप खुद से ही सोचकर क्या करें, हमेशा मैं ही आपको ट्रिक नहीं बतलाऊंगी, यदि मैंने आपको इसका ट्रिक नहीं बतलाया है तो आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आपसे खुद से ही बनाकर ट्रिक को लाना है, तभी तो आप लोग सीखेंगे चीज़ें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रिक देना होगा। अब यदि बात करते हैं इनकी फैमिली की, तो क्या होता है, पॉलीगोनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है भाई, ठीक है, पॉलीगोनेसी फैमिली से है आर, और आपको क्या याद रखना है, आर, आर से क्या हो जाएगा, रिवान चीनी, और आपका रियम इमोडी रियम पालमेटम आर फॉर हो गया, और पी फॉर आपको पॉलीगोनेसी को याद रखना है। नेक्स्ट चले, स्टेरॉइड फाउंड इन द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ डिजिटेलिस परप्यूरिया, फ्लावर्स और लीव्स, डिजिटेलिस के फ्लावर में मेनली होता है ना, जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब देखिए लीव्स एंड फ्लावर में कौन सा स्टेरॉइड प्रेजेंट होता है ये पूछा गया है, ऑप्शन है डिगोक्सीजेनी, डिजिटॉक्सोज, डिजिटेलोज, नॉन ऑफ द बो, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भाई? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ग्लाइकोसाइड दो चीजों से मिलकर बना है, ए ग्लाइकॉन पार्ट एंड ग्लाइकॉन पार्ट, और कौन से पार्ट में इनका जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी है वो रहता है, कौन सा पार्ट है जो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो करता है ये बताइए। चलिए तो वो क्या होता है, ए ग्लाइकॉन पार्ट, जिसको जिसके सफिक्स में क्या होता है, जेनिन, याद करिए मैंने आपको ये चीजें बतलाई हैं, है ना, और जो आपका ग्लूकोज पार्ट रहेगा उनके सफिक्स में क्या होगा, ओज होता है ना, उनके सफिक्स में ओज होगा, जिसमें थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं रहता, और ए ग्लाइकॉन पार्ट में थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ये रहता है। तो यहां पर ए ग्लाइकॉन पार्ट आप जान गए तो आप जान जाएंगे कि वही स्टेरॉइडल मॉइटी है, समझ पा रहे हैं? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, अब आप खुद ही बतलाते जाइए, क्योंकि बहुत ही इजी से मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से आंसर हो सकता है ना। तो डिगोक्सीजेनिन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि क्या है, इसका ए ग्लाइकॉन पार्ट। नेक्स्ट है सेन्ना कंसिस्ट ऑफ द, ठीक है, सेन्ना में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं ये पूछा गया है, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन जैसे कि है सेनोसाइड ए एंड बी, ठीक है, सेनोसाइड ए एंड बी, सेनोसाइड सी एंड डी, एलो इमोडीन, ऑल ऑफ द अबो। तो अब आप सोचेंगे ये तो सेन्ना है ना, सेन्ना है तो यहाँ पे एलो इमोडीन तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो एलोवेरा में होता है, बट ये क्या है, गलत है। ऐसा यदि आप सोचते हैं तो सेन्ना में सेनोसाइड ए एंड बी, सी एंड डी तो होता ही है, साथ ही साथ एलो इमोडीन, इमोडीन, रेइन, ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, थीके? जितने भी यहाँ पर केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है सेन्ना में, चलिए डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इमोडीन प्रेजेंट है, रेइन, एलो इमोडीन, और साथ ही साथ क्रिशोफेनॉल इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया एंथ्राक्यू नॉन ग्लाइकोसाइड के बारे में, ठीक है, जो सेन्ना में प्रेजेंट होता है एंथ्राक्यू नॉन ग्लाइकोसाइड, इनके बारे में जान गए। अब आते हैं कुछ नेथिलीन ग्लाइकोसाइड, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, ये जो सेनोसाइड ए बी सी डी, इमोडीन, रेइन, ये सारे एंथ्राक्यूनॉन है, ठीक है, एंथ्रासिन न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब यदि नेथिलीन पूछा जाए तब कौन सा होगा, तब होगा 6-hydroxymucosylin ग्लाइकोसाइड, ये भी आपको क्या करना है, स्टार मार्क लगा देना है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए नेथिलीन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड कौन सा है सेन्ना में, तो वो होगा 6-hydroxymucosylin ग्लाइकोसाइड, ठीक है। और यदि पूछा जाए फ्लेविनॉल और कैम्फेरॉल होता है कि नहीं, तो इसमें प्रेजेंट होता है सेन्ना में, फ्लेविनॉल भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टी पूछी गई है भाई, ऑप्शन देख लीजिए, एनोट्रॉपिक एक्शन, क्रोनोट्रॉपिक एक्शन, डर्मोट्रॉपिक एक्शन एंड बेथमोट्रॉपिक एक्शन ऑफ डिजिटेलिस, कौन सा एक्शन शो करता है डिजिटेलिस। तो अभी तक आपको ये पता था कि ये कार्डियोटॉनिक है, कार्डियक में यूजफुल होता है, CHF में यूजफुल होता है। अब आपको पूछा गया बेसिकली इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, तो क्या करता है ये जो आपका डिजिटेलिस है, मेनली कॉन्स्ट्रिक्शन को, जो हार्ट के कॉन्स्ट्रिक्शन को इंक्रीज करता है। तो ऐसे ड्रग जो कि क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, आइनोट्रॉपिक
कहते हैं, और यदि हार्ट रेट को इंक्रीज करता है उसको हम क्रोनोट्रॉपिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आइनोट्रॉपिक होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये किस प्रकार से एक्ट करता है यदि ये पूछा जाए, तो ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को। ये सारी चीज आपने फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे से स्टडी कर भी ली होगी, है ना। तो पर भी यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल बताइए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, डिगॉक्सिन, सेनोसाइड ए, एलोइन एंड सिनेग्रीन। तो देखिए आपको पहले क्या बोला गया था, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, एस ग्लाइकोसाइड, याद करिए एस ग्लाइकोसाइड किस में प्रेजेंट था भाई, ब्लैक मस्टर्ड में। ठीक है, ब्लैक मस्टर्ड का ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट था जिसको मैंने आपको याद रखने को कहा था, याद करिए, जो कि क्या था, सिनेग्रीन। ठीक है, और सिनेग्रीन में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। थायो मीन्स क्या हो गया, सल्फर। ठीक है, थायो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, जब इसमें सल्फर प्रेजेंट हो, और सल्फर से आपको एस फॉर सिनेग्रीन को याद रख लेना है भाई। देखिए इनके इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें एस ग्रुप प्रेजेंट है, एस को ही क्या कहते हैं यहाँ पर, थायो कहा जाता है। तो थायोसाइनेट इसमें प्रेजेंट होता है इनके स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसको थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड भी कहा जाता है सिनेग्रीन को, जो कि ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको आप सरसों के नाम जानते हैं, इस प्रकार से आपने यूज भी किया है कई बारी। नेक्स्ट है, व्हाइट जिनसेंग इज, व्हाइट जिनसेंग क्या होता है, व्हाइट कलर्ड वेराइटी ऑफ जिनसेंग रूट ऑब्टेन्ड बाय वॉशिंग टू रिमूव कलर ऑफ जिनसेंग रूट, वॉश्ड रूट विदाउट सेकेंडरी रूट एंड सन ड्राइड एंड ऑफन पिल्ड नॉन ऑफ द बो। तो व्हाइट जो आपका क्या रहता है, जिनसेंग है, देखिए इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, और ये क्या होगा, देखिए क्या होता है यहाँ पर, वॉश्ड रूट विदाउट सेकेंडरी रूट सन ड्राइड एंड ऑफन पिल्ड। क्या किया जाता है यहाँ पर, आपने इस प्रकार से देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से जिनसेंग देखा। अभी तक आपने जो जिनसेंग पढ़ रहे थे, पेनाक जिनसेंग जिसको हम कहते हैं, ओके, एरालिस की फैमिली होती है, इस प्रकार से आपने जिनसेंग की स्टडी किया। अभी तक आपको देख रहे थे आप लोग ब्राउन कलर का, बट वाइट जिनसेंग की बात करते हैं, तो वाइट जिनसेंग क्या होता है, ये पिल्ड और सन ड्राइड होते हैं। पिल्ड मतलब इनके जो छिलके हैं उनको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, या अनपिल्ड भी रहते हैं और सन ड्राइड रहते हैं, ये जो जितने भी वाइट कलर के आपने जिनसेंग देखा होगा। नेक्स्ट है, लीव इज टू बी ड्राइड एट 60 डिग्री सेल्सियस इमीडिएटली आफ्टर कलेक्शन। ऐसा कौन सा लीफ है जिनको 60 डिग्री सेल्सियस के बिलो, ठीक है, इमीडिएटली जब हम लोग इनको कलेक्ट करेंगे तब इमीडिएटली हमको 60 डिग्री सेल्सियस के बिलो इनको क्या करना पड़ता है, हमें ड्राई करना पड़ता है। कौन सा लीफ है भाई, देख लीजिए, डिजिटली सेना धतूरा हायोसाइमस। तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान हुआ होगा कि हमने क्या किया, ग्लाइकोसाइड स्टडी कर रहे हैं, हायोसाइमस के बारे में, धतूरा के बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है एल्केलाइड पार्ट में, वहां पर ऐसा कोई टर्म स्टडी किया हमने इन दोनों के लिए नहीं किया, तो ये दोनों पहले क्या हो जा रहे हैं, कट हो जा रहे हैं। अब बचा क्या आपका, सेन्ना और डिजिटलिस। तो आपको मैं एक बात बतला दूं, जब कभी भी हम कलेक्शन करते हैं लीफ का डिजिटलिस के, ठीक है, डिजिटलिस के लीफ का जब हम लोग कलेक्शन करते हैं तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉट मोर देन, यहाँ पर 5% से ज़्यादा मॉइस्चर तो होना नहीं चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, वरना मॉइस्चर रहा तो क्या हो जाता है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिग्रेडेट होने लगता है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर ड्राई करते हैं। अब भाई ये भी याद रखना है कि जो आप ड्राई कर रहे हैं वो 60 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर में हमको ड्राई करना है, वरना इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर से जो आपका ड्रग है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इनका जो ड्रग है, केमिकल कॉन्स्टेंट है, वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए हमको ये दोनों टर्म को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, हमेशा मॉइस्चर कंटेंट पूछ लिया जाता है या फिर आपके जो टेम्परेचर है इसको पूछ लिया जाता है डिजिटलिस के लिए। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो डिजिटलिस वो ड्रग है जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम जब भी कलेक्शन करेंगे तो 60 डिग्री सेल्सियस के बिलो में इनको ड्राई करते हैं। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज यूज एज अ डायूरेटिक, डायूरेटिक की तरह कौन सा ड्रग है जो कि यूजफुल होता है।
ऑप्शन है ट्रिबुलस, टेरिस्टेरिस, कैविस स्लैप्स, परप्यूरिया, सिमोप्सिस, टेट्रागोनोलोबस, कॉमिफोरा, मोलमोल। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करते जाइए भाई। आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था गोखरू एक ऐसा ड्रग है ना, जिसको डायुरेटिक की तरह यूज करते हैं। अब बताइए गोखरू का, यहाँ पर यदि आपको गोखरू का बायोलॉजिकल सोर्स याद है तब आप इजिली से क्वेश्चन कर जाएंगे। क्या होगा गोखरू का बायोलॉजिकल सोर्स क्या रहता है, ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस। ठीक है, ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस क्या होता है, गोखरू का ये बायोलॉजिकल सोर्स है और गोखरू को डायुरेटिक की तरह यूज करती हैं। क्लाविसेप्स परप्यूरिया के बारे में हमने स्टडी किया होगा, कब, हम जब एल्कलॉइड स्टडी कर रहे थे। ये इरगॉट का बायोलॉजिकल सोर्स है और इरगॉट को आप जानते हैं ऑक्सीटोसिस की तरह यूज करते हैं, माइग्रेन में यूज करते हैं। ठीक है, अब बच्चे जैसे कि सिमोप्सिस, टेट्रागोनोलोगस, तो ये क्या है, गौर गम है भाई। और गम को किस तरीके से यूज करते हैं, डिसइंटीग्रेंट, मतलब मेनली ये एक्सिपिएंट की तरह यूज में आते हैं जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं। ठीक है, कॉमिफोरा मोलमोल ये क्या है, रेजिन है। ठीक है, तो ये क्या है, लोकल स्टिमुलेंट की तरह यूजफुल होता है। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ड्रग विच ड्रग इज केमिकली ग्लाइकोसाइड, इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि ग्लाइकोसाइड है भाई। ऑप्शन देख लीजिए, डिल्टियाजिम, नेफिडिपिन, डिकॉक्सिन, एस्प्रिन। तो कौन सा होता है जो कि ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग है, सबसे इजी क्वेश्चन है देखा जाए तो, राजस्थान 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी तक हम लोग कितने बार स्टडी करते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ठीक है, कौन सा ग्लाइकोसाइड है, वो डिजिटेलिस है ना, तो ऑप्शन में क्या है, डिकॉक्सिन, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एन एंटी डायबिटिक प्लांट ड्रग, एंटी डायबिटिक प्लांट ड्रग इनमें से कौन सा है। देखिए यूजर्स से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और जनरली आपको यदि आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं उसके लिए एग्जाम दिला रहे हैं तो यूजर्स तो सब ड्रग का एटलीस्ट पता ही होना चाहिए, है ना, ये तो बात बनती है कि कोई भी ड्रग का यूज तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मेनली यूज से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे गए हैं। ऑप्शन है विथेनिया सोमनीफेरा, सारेका इंडिका, अर्जिनिया मारिटिमा और जिम्नेमा साल्विस्ट्री। तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि एंटी डायबिटिक की तरह यूजफुल होता है, तो आपको याद होगा मैंने आपको बिटर ग्लाइकोसाइड में बताया था एक ड्रग जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, गुडमर कहते हैं। गुडमर क्यों कहा जाता है, गुड से आपको गुड़ याद रखना है, ठीक है, और जो उसको किल करे मींस शुगर की बीमारी को किल करना मींस एंटी डायबिटिक। तो कौन सा ऐसा ड्रग है जिसको गुडमर कहा जाता है, मधुनाशिनी जिसको कहते हैं, ठीक है, मधुमेह किसको कहा जाता है, डायबिटीज को, और उसका नाश करने वाला मींस एंटी डायबिटिक मधुनाशिनी। कौन सा ऐसा ड्रग है भाई जिसे कहते हैं गुडमर और मधुनाशिनी, तो वो है जिम्नेमा। ठीक है, जिम्नेमा जिसको हम बिटर ग्लाइकोसाइड भी कहते हैं। अब इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है आपको ध्यान में आ गया होगा कि क्या होगा बायोलॉजिकल सोर्स, जिम्नेमा साल्विस्ट्री। ठीक है, ये होता है जिम्नेमा का, जो आपका गुडमर है जिम्नेमा है, इसी का बायोलॉजिकल सोर्स है भाई। अर्जिनिया मारिटिमा आप जानते हैं क्या है, स्क्वील, स्क्वील को हम लोग रोडेंटिसाइड की तरह यूजफुल करते हैं। सारका इंडिका जो कि क्या है, असोका, जो कि क्या है, यूटेरिन टॉनिक है। अब विथेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा हमने एल्कलॉइड में स्टडी किया था, बताइए कहाँ पर यूज होता है भाई अश्वगंधा, तो ये नर्वस डिसऑर्डर, लेप्रोसी, इन सारी चीजों में यूजफुल होता है अश्वगंधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए, ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन सिनकोना बार्क। भाई अब तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि हमने सिनकोना को तो एल्कलॉइड्स में स्टडी किया था पर यहाँ पर पूछा गया है ग्लाइकोसाइड, तो ये क्वेश्चन कहीं रॉन्ग तो नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सही है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई प्लांट है जैसे कि ये, तो उसमें सिर्फ एक ही केमिकल कॉन्स्टेंट हो, बहुत से केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होता है, एक प्लांट है तो उसमें कई प्रकार के केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें प्रेजेंट है ये क्या है आपका एल्कलॉइड और ये क्या है ग्लाइकोसाइड, ओके, तो आपका ये जो ग्लाइकोसाइड है ये मोर एक्टिव है तो ये ग्लाइकोसाइड ड्रग में आ जाएगा, और यदि एल्कलॉइड इनका मोर एक्टिव है, ठीक है, मींस इसमें ज़्यादा अमाउंट में है और इनके थेरेपेटिक एक्टिविटी शो करता है तो ये फिर एल्कलॉइड कैटेगरी में आएगा। और जैसे कि सिनकोना है, सिनकोना में जो एल्कलॉइड है जैसे कि क्विनिन और क्विनिडिन के बारे में स्टडी किया था हमने, वो क्या होता है, वो मेन ड्रग है इनका, इसलिए इनको एल्कलॉइड की कैटेगरी में रखा गया है, बट इनमें कुछ ग्लाइकोसाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वही पूछा गया है, मेनली जो एक्सेप्शन होता है उन्हीं चीजों को पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं हमको हमेशा कहती हूं एक्सेप्शन वाली चीजों को याद में रखना। ऑप्शन देखिए क्विनिन, सिनकोनिन, सिनकोनिडिन और क्विनोविन। तो अब आप बताइए जब हम लोग सिनकोना स्टडी कर रहे थे तो कौन कौन सी चीजें पढ़ी थी एल्कलॉइड कैटेगरी में, क्विनिन पढ़ा था, जी हाँ बिल्कुल पढ़ा था, सिनकोनिन पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, सिनकोनिडिन पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था,
कौन सी चीज़ थी जिसको नहीं पढ़ा था, वो है क्विनोविन। ठीक है, क्विनोविन को हमने स्टडी नहीं किया था, और यही क्या है, ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग है। ठीक है, ये जो आपका सिंकोना है इसमें क्विनोविन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चले, मॉडिफाइड ब्रॉन टाइगर टेस्ट आर यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि केरला PSC 2015 में पूछा गया है भाई। ओके, देखिए मॉडिफाइड ब्रॉन टाइगर किसके लिए किया जाता है, मैंने दो टेस्ट आपको बताए थे, दो टेस्ट बताया था जब हम लोग एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड का स्टडी करेंगे। कौन कौन सा, एक था आपका ब्रॉन टाइगर टेस्ट और एक था मॉडिफाइड ब्रॉन टाइगर टेस्ट। तो आपका जो ब्रॉन टाइगर टेस्ट था वो किसके लिए होता था, ये होता था सेन्ना के लिए। सेन्ना कौन सा ग्लाइकोसाइड है, मींस ओ ग्लाइकोसाइड। और जो आपका मॉडिफाइड ब्रॉन टाइगर टेस्ट है ये किसके लिए होता था, ये होता था एलो के लिए। और एलो क्या होता है, एलो होता है आपका सी ग्लाइकोसाइड मेनली। जब मतलब यहाँ पर जब हम लोग सी ग्लाइकोसाइड को स्टडी करते हैं तब वहाँ पर आता है आपका मॉडिफाइड ब्रॉन टाइगर टेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, इसीलिए मॉडिफाइड ब्रॉन टाइगर टेस्ट किया जाता है, ये जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है, ये मॉडिफाइड ब्रॉन टाइगर टेस्ट। और क्या इसमें डिफरेंस था, जो आप लोग यूज कर रहे थे ब्रॉन टाइगर टेस्ट में, और यदि मॉडिफाइड ब्रॉन टाइगर टेस्ट की बात किया जाए तो कौन सा केमिकल यहां पर डिफर था, तो वो है FeCl3 एंड HCl यहां पर यूज किया जाता है। फिर रिएक्शन सेम होता है, कलर का सेम आता है, कौन सा कलर आता है, कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीजें आपको कमेंट करके बतलाना चाहिए। ठीक है, ओके, कमेंट करते जाइए क्या क्या इसमें कलर रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट, हीमोलाइसिस टेस्ट इज डन फॉर विच ग्लाइकोसाइड। हीमोलाइसिस टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कौन से ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ऑप्शंस है सेपोनिन, थायोसाइनेट, एंथ्राक्विनोन एंड फिनॉल। तो कौन से ऐसे ग्लाइकोसाइड है जिसके लिए किया जाता है हीमोलाइसिस टेस्ट। और साथ ही साथ फोमिंग टेस्ट आपको मैंने पढ़ाया था, याद करेंगे फोमिंग टेस्ट, जहां पर क्या होता है, हमने क्या स्टडी किया था, ऐसा ग्लाइकोसाइड जो कि सोप लाइक प्रॉपर्टी रखता है, तब इसको हम क्या करते हैं, जब इसको हम लोग क्या डालेंगे, इसमें मिक्सचर डालेंगे तो फोम यहां पर प्रोड्यूस ये करता है, सेक करते हैं तो। ठीक है, फोम लाइक यहां पर होता है, सोप के लाइक यहां पर फोम बना लेता है। और यही जो ड्रग है, यही जो आपके ग्लाइकोसाइड है, वो क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट के साथ यदि हम लोग इनको मिक्स करें तो ये क्या करता है, ब्लड को लाइसिस कर देता है, इनको ब्रेक कर देता है, इसीलिए इनको हीमोलाइसिस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन से आपके ग्लाइकोसाइड है, वो है सेपोनिन्स। सेपोनिन से आपको क्या याद रखना था, सोप याद रखना था भाई। ठीक है, ऐसे ही बताया था, सेपोनिन से सोप याद रखना है, और सोप लाइक प्रॉपर्टी क्या करता है, हीमोलाइसिस ये करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब आते हैं, डिजिटल इज अडल्ट्रेटेड कॉमर्शियली बाय। डिजिटल इज का अडल्ट्रेन कौन सा है, ये हमने 3-4 बार स्टडी किया है, ट्रिक के थ्रू स्टडी किया था, याद होगा तो आप लोग कमेंट करते जाइए जल्दी से। ऑप्शन है लेवेंडर लीफ, धतूरा लीफ, लंदन प्राइड लीफ एंड कॉम्फेरी लीफ। तो कौन सा लीफ ऐसा है जिसको हम लोग डिजिटलिस के लिए एडल्ट्रेन की तरह यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है MP फार्मेसी 2017 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग मेनली डिजिटलिस के एडल्ट्रेन के लिए 3 चीजों का यूज करते थे, प्रिमरोजा लीफ, ठीक है, और क्या था आपका, कॉम्फेरी लीफ था कि नहीं बताइए, और एक लीफ था आपका जो है वर्बेस्कम थेपस, जिस वर्बेस्कम थेपस, प्रिमरोज लीफ, कॉम्फेरी लीफ, ये सारे लीफ हम लोग यूज करते थे सिंपैथम ऑफिसनलिस, जिसको हम जिसका बायोलॉजिकल सोर्स था कि नहीं, और इसमें मल्टी सेलुलर ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, इसी प्रकार से इसको इंडिकेट करता है, इसी प्रकार से आपको याद में रखना था। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन नक्स ओमिका। नक्स ओमिका में कौन सा ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन पूछा गया जैसे कि सिंकोना में पूछा गया। अब फिर से आप सोचेंगे नक्स ओमिका तो एल्केलाइड था, बट यहाँ पर ग्लाइकोसाइड कंटेंट को पूछा गया है, ये ध्यान रखिए। तो एक्सेप्शन वाले सारे क्वेश्चन को आप लोग अब रीड आउट कर लेना भाई। स्ट्रिचनिन, लोगानिन, इकोनिन एंड क्विनोविन। तो क्या होगा, ग्लाइकोसाइड कौन सा प्रेजेंट होता है नक्स ओमिका में, तो वो है लोगानिन। देख लीजिए ग्लाइकोसाइड लोगानिन इसमें प्रेजेंट है, स्ट्रिचनिन आपने स्टडी कर लिया, ब्रूसिन भी आपने स्टडी किया था, इनके यूजेस भी आपने स्टडी किया है एल्केलाइड पार्ट में, बचा क्या आपका लोगानिन। नेक्स्ट है डायोसिन ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव। डायोसिन हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या प्रोड्यूस करता है, ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ज़ाइलोज एंड रैमिनोज, ग्लूकोज एंड ज़ाइलोज एंड ग्लूकोज एंड रैमिनोज। तो ये जो डायोसिन है, ठीक है, डायोसिन में जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक बनाएगा फिर से वैसे एक ग्लाइकॉन पार्ट और एक बनाता है ग्लाइकॉन पार्ट। तो मेनली जब हम लोग ग्लाइकॉन पार्ट को यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है तो ग्लूकोज और रैमिनोज ये प्रेजेंट होता है इसमें, और यदि एक ग्लाइकॉन पार्ट की बात करते हैं तो वो होता है डायोजेनिन।
ठीक है, डायोजेनिन जो कि हमने यूज क्या पढ़ा अभी, जस्ट कमेंट करते जाइए क्या यूज पढ़ा डायोजेनिन के लिए। ये ग्लाइकोसाइड है वो कहाँ पर यूज होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में ये स्टडी किया ना, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है स्टेरॉइडल न्यूक्लियस, ये भी हमने स्टडी किया। अब जब इनका हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो ये बनाएगा ए ग्लाइकॉन पार्ट और ग्लाइकॉन पार्ट, ए ग्लाइकॉन पार्ट डायोजेनिन हो गया और ग्लाइकॉन पार्ट ग्लूकोज और रैमनोज, ये दो प्रकार के ग्लाइकोसाइड ये प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग बिलोंगिंग टू द एपोसाइनेसी फैमिली, कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि क्या है कार्डियक ग्लाइकोसाइड भी है और एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शंस देख लें, ऑप्शंस हैं डिजिटेलिस, एडोनिसिन, स्ट्रोपेंथस एंड वलेरिया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखिए आपको अभी तक पता होगा दो चीज़ें ही हैं जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड की तरह यूज में आती हैं। हमने स्टडी किया क्लासिफिकेशन में क्या क्या स्टडी किया, डिजिटेलिस और स्ट्रोपेंथस को। अब और ज़्यादा ईजी हो जाएगा यदि आपको डिजिटेलिस का आपको यदि फैमिली याद हो। याद है कि नहीं, मैंने आपको स्कॉर्पियो वाला ट्रिक बताया था, टाटा कंपनी स्कॉर्पियो याद आया, जिनको भी याद हो कमेंट कर दे जाइए, बहुत अच्छा ट्रिक था भाई। तो यदि स्कॉर्पियो से आपको क्या याद रखना था, स्क्रोफ्यूलेरी एसी को याद रखना था जो कि क्या था डिजिटेलिस का जो फैमिली है। तो बच्चा क्या स्ट्रोपेंथस जो जिसकी फैमिली क्या होती है एपोसाइनेसी होती है, तो यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से आपको कोरिलेट करके आगे चलना है तभी आपको सारी चीज़ें याद रह पाएंगी, वरना कुछ भी याद नहीं रहेगा यदि आप कोरिलेट नहीं करें तो। ठीक है, डिजिटेलिस का हमने देखा डिजिटेलिस परप्यूरिया और स्क्रोफेलिएसिस की फैमिली होती है, स्ट्रोपेंथस बचा दो की क्या है स्ट्रोपेंथस कॉम्बी इसका बायोलॉजिकल सोर्स है और एपोसाइनेसी फैमिली। नेक्स्ट है कर्व्ड वर्टी ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है वर्टी ट्राइकोम मेनली इसमें पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई जो अभी तक बचा हुआ था। ठीक है, स्टार मार्क लगाते जाइए, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके रिपीटेशन होने के चांसेस होता है। ठीक है, केरला फार्मेसी 2019 में जो कि पूछा गया है, ऑप्शन है धतूरा, सेन्ना, यूकेलिप्टस, डिजिटेलिस। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, जिसमें वर्टी ट्राइकोम प्रेजेंट हो तो वो ऐसा स्पेशल ड्रग है जो कि है क्या सेन्ना, जिसमें वर्टी ट्राइकोम प्रेजेंट होता है भाई। अब मैं यदि बात करूँ सेन्ना का ही, यदि माइक्रोस्कोपी हमने स्टडी किया था है ना, किया था कि नहीं याद करिए, उसमें कौन सा स्टोमाटा प्रेजेंट होता है याद करिए, स्टोमाटा के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो उसमें प्रेजेंट होता है पैरासाइटिक स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए, पूछा जाता है ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, वर्टी ट्राइकोम प्रेजेंट होता है सेन्ना में। नेक्स्ट चले, ये सारी चीज़ें आप लोग जल्दी से देख जाइएगा, सारी चीज़ें हमने स्टडी कर ही ली है, पूरा ट्राइकोम को अच्छे से स्टडी किया ही था, तो वही चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अ डिटेल्ड स्टडी ऑन डिजिटेलिस वॉज कैरिड आउट बाय द साइंटिस्ट, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो कि डिजिटेलिस को स्टडी किया है, जो इतना बेहतरीन ड्रग है, जो कि इतना ब्यूटीफुल दिखता है, आपने देखा उसका फ्लावर और इसका जो लीफ था कितना ब्यूटीफुल लीफ है, और ये कार्डियोटॉनिक की तरह जो एक्ट करता है, तो वो कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने डिजिटेलिस के बारे में स्टडी किया, ए डब्ल्यू इचलर, स्टास एंड ओटो, विलियम विथेरनी, ठीक है, और जोहन स्मिथ, कौन थे वो वैज्ञानिक। यदि हम लोग बात करें स्टास और ओटो, तो हमने पहले स्टडी किया, इन्होंने क्या किया था एल्क्यूराइड के एक्सट्रैक्शन मेथड को स्टडी किया। ठीक है, स्मिथ की बात करें तो ये हमने कभी स्टडी किया था, इन्होंने फार्माकोग्नोसी का जो इवेल्यूएशन है, ठीक है, जब हम लोग फार्माकोग्नोसी को स्टडी कर रहे थे इनकी हिस्ट्री, तब उन्होंने वेरियस ड्रग के बारे में स्टडी किया था। तो हमारे बच्चे क्या विलियम विथेरी, तो यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने डिजिटेलिस के बारे में स्टडी किया था, और इन्होंने ही बताया, ठीक है, कि ये जो ड्रग है वो यूजफुल हो सकते हैं कार्डियोटॉनिक की तरह। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज स्पेशली यूज्ड फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड इन द क्रूड ड्रग, इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए किया जाता है। आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताया था किड और बालक वाला, जिसको रेमंड कंपनी का क्या चाहिए था, लोगो चाहिए था, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी, वो सारे ट्रिक को आपको रिवाइज कर लेना है, और जिनको याद हो कमेंट करते जाइए, जो नहीं जानते वो ट्रिक को जरूर से देख कर आइएगा। ठीक है, ऑप्शन है क्लंग टेस्ट, मॉलिश टेस्ट, बाल्जे टेस्ट एंड मेयर टेस्ट। तो बताइए मेयर टेस्ट किसके लिए होता है, याद है आपको, इसके लिए भी हमने ट्रिक देखा था एल्कलॉइड्स में, याद करें ये होता है एल्कलॉइड के लिए।
उसके बाद यदि बात करते हैं क्लंग टेस्ट, अभी हमने स्टडी किया क्लंग आइसोबारबालोइन टेस्ट है ना, जो कि क्या हो गया एलो के लिए हो गया। मॉलिश टेस्ट किसके लिए होता है? ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। तो बचा क्या? बाल्जे टेस्ट। और इतना सारा चीज भी सोचना नहीं था यदि आपको बालक वाला ट्रिक याद होता कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए जो हमने याद किया था, तो आप एक मिनट में इसका आंसर कर जाते। याद आया? ठीक है, इसी प्रकार से ट्रिक से आपको सारे टेस्ट को हमने ट्रिक से याद कर लिया है। ओके, सारे जितने भी वीडियोस हैं उनको देखते जाइए, प्रीवियस में आपको बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं करा रही, आपको वो सारी चीज़ें देख लेना है। नेक्स्ट है पेनाक्सोसाइड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, पेनाक्सोसाइड किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है? ऑप्शन देख लीजिए, जिनसेंग, ब्राह्मी, सनेगा, गोखरू, किसमें प्रेजेंट होता है पेनाक्सोसाइड? पेनेक्स जिनसेंग, याद आया, इसका बायोलॉजिकल सोर्स ही है भाई, और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी पेनाक्सोसाइड है, जो कि यूज होता है टॉनिक की तरह, एनर्जी प्रोवाइड जो कर जाता है। आपने जरूर से देखा होगा अक्षय कुमार जी जिनसेंग का ऐड करते हैं जो उनके पास चूर्ण होता है, करते कि नहीं याद आ रहा है? बस वही जिनसेंग है जिसमें पेनाक्सोसाइड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, जो कि टॉनिक प्रॉपर्टी का होता है। फैमिली क्या है? एरालिएसी फैमिली से बिलोंग ये करता है, इसी प्रकार से कोरिलेट करते हुए चलिए। नेक्स्ट है इन सेकेंड ईयर ऑफ कल्टीवेशन डिजिटल स्पर्प्यूरिया बियर डेस्ट टाइप ऑफ लीफ, सेकेंड ईयर के कल्टीवेशन में ठीक है कौन से टाइप के इसमें प्रेजेंट होता है, डिजिटल स्पर्प्यूरिया में लीफ कौन सा प्रेजेंट होता है? फर्स्ट है सेसाइल, वर्ल्ड अल्टरनेट, रोसेट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए इसमें टू टाइप्स के बेसिकली तो लीफ प्रेजेंट होते हैं, सेसाइल और रोसेट। तो मेनली जब हम लोग सेकेंड ईयर में रहते हैं तो इसमें रोसेट टाइप का लीफ होता है, जो आपके डिजिटलिस है उसके सेकेंड ईयर में क्या होता है, रोसेट टाइप का लीफ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कलर ऑफ डिजिटलिस लीफ इज, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सबसे ईजी क्वेश्चन है देखा जाए तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने स्टडी किया। अभी जस्ट आपने क्या देखा था, अभी इसका आपने डायग्राम देखा, इमेज देखा डिजिटलिस के लीफ का, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? डार्क ग्रीन, डार्क पर्पल ग्रीन, डार्क रेडिश ग्रीन, डार्क ग्रेइश ग्रीन, जो कि पूछा गया है आपके फार्मेसी 2021 के क्वेश्चन में, बहुत ही इजी है। चलिए आंसर करते जाइए, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन को आंसर मैं नहीं बतलाऊंगी, आपको खुद से ही बतलाना है तभी जाकर आपको रिवाइज हो पाएगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भाई? देखिए क्या होता है, ग्रेइश ग्रीन कलर का इनका लीफ होता है, आपने देखा है कि नहीं? अभी देखिए इनका लीफ कैसा ग्रे ग्रीन कलर का है ना, ग्रे ग्रीन कलर का लीफ प्रेजेंट होता है डिजिटलिस में, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है लकी नट ट्री इज सिनोनिम फॉर, लकी नट ट्री किसको कहते हैं? येलो ओलियंडर, स्क्वील, क्वाबेन एंड जिनसेंग। तो आपने जिनसेंग के बारे में स्टडी कर लिया, पेनेक्स कहा जाता है उसको, तो क्वाबेन के बारे में आप जान रहे हैं जिसे जीस्ट्रोपेंथिन कहते हैं, स्क्वील को आप जानते हैं ये क्या है, जंगली प्याज है। तो बचा क्या, येलो ओलियंडर, ठीक है येलो ओलियंडर को हम क्या कहते हैं, लकी नट ट्री कहा जाता है। ओके, बहुत ही सुंदर सा इसका प्लांट होता है, आपने जरूर से देखा होगा ये चीजें। देखिए इस प्रकार से येलो ओलियंडर, इसी को क्या कहा जाता है, येलो ओलियंडर कहते हैं, थिवेटिया इसी का क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है, थिवेटिया नेरिफोलिया, और फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी फैमिली ये होती है इसकी। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, हर आपने गार्डन में देखा ही होगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है रिएजेंट यूज इन क्लंग्स आइसोबारबालोइन टेस्ट आर, देखिए मैंने कहा ही क्लंग जब हम लोग स्टडी कर रहे थे आइसोबारबालोइन टेस्ट, जरूर से इनका केमिकल कॉन्स्टेंट पूछ लिया जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके तो चलिए आंसर करते जाइए, क्या हो सकता है इसका आंसर? CuSO4 सोडियम क्लोराइड एंड 90% एल्कोहल, CuSO4 लैक्टोफिनॉल एंड 90% एल्कोहल, CuSO4 सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड कॉपर सल्फेट लैक्टोफिनॉल प्लस वाटर, क्या था इसका करेक्ट आंसर? देखिए मैंने आपको कॉपर सल्फेट तो याद कराया, साथ ही साथ क्या बोला था आपको, बोला था मैंने कि सोडियम क्लोराइड को भी याद रख लेना आइसोबारबालोइन के, ठीक है एस फॉर सोडियम आपको याद रख लेना, ठीक है और 90% एल्कोहल भी यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड एंड 90% एल्कोहल, यही क्या होता है, यही आपका क्लंग्स आइसोबारबालोइन का रिएजेंट है, क्यूप्रोलाइन टेस्ट जिसको हम कहते हैं। कौन सा कलर शो करता है ये भी याद रख लीजिए, जो कि है फैंट येलो कलर, ठीक है। चलिए जिनसेंग इज यूज्ड एज, जिनसेंग का यूज पूछ लिया गया, अभी तक हम लोग बायोलॉजिकल सोर्स देखे, अब आपको बहुत इजी से ये याद भी हो गया होगा, मैंने आपको अक्षय कुमार जी का एग्जांपल देकर भी आपको याद कराया है, तो आप जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन पे देखें, इम्यूनोमॉड्यूलेटर, बिटर स्टमक एक
परगेटिव एंड स्वीटनिंग एजेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि क्या करता है, टॉनिक प्रॉपर्टी रखता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, डिफेंसिव जो मैकेनिज्म है उनको क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। तो वो कैसे एक्ट करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह यूज होता है। आपने जरूर से कोरोना टाइम में कई बार ये चीज़ों का एड देखा भी होगा, जो कि क्या करते हैं, आपके इम्यून को बूस्टअप करते हैं। नेक्स्ट है सेन्ना मेनली कंटेन, सेन्ना कौन से ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है, ये पूछा गया है, ओ एन सी और एस इसका आपका ऑप्शंस है। तो आपको याद कर लीजिए वो ओ आर एस का ट्रिक, याद आया ओ आर एस का ट्रिक, अब आपको इजीली से ये क्वेश्चन बन गया होगा, है ना, बहुत इजी है यदि आपको ट्रिक से याद रहे तो। एस फॉर क्या याद रखने बोला था मैंने, सेन्ना, आर फॉर क्या बोला था, रूबाब, और ओ फॉर ओ ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल है, ये याद रखना था, याद रखना था, मीन्स सबसे इजी था ये क्वेश्चन यदि आपको ट्रिक याद रहता। नेक्स्ट चले इसी प्रकार से फास्टली हम चलते जाएंगे, ठीक है, फास्टली चलते जाएंगे क्योंकि सारे ट्रिक का रिवाइज ही हम कर रहे हैं भाई। नेक्स्ट है विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड का यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया। ऑप्शन है बिटर एलमंड, ब्लैक मस्टर्ड, वेनीला एंड जिनको। तो मैंने आपको सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक ट्रिक बताया था, क्वीन वाला, याद है, क्वीन था जो, क्वीन थी जो कि जंगल में जाती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, याद आया, और वहाँ जंगल में जाकर क्या करती थी, वो उनको चेरी लेना था जो कि कैसा था, बिटर था टेस्ट में, याद आया, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना था, जंगल से वाइल्ड याद रखना था, क्या लेने गई, चेरी, तो वाइल्ड चेरी याद रहा। उसके बाद वो कैसा था, बीटर था टेस्ट में, ठीक है, बहुत बीटर था, तो बीटर से बीटर एलमंड याद रखना था, याद रखना था, और उस बीटर एलमंड को खाकर, ठीक है, जो बीटर था कड़वा था, तो कैसा होता है, कड़वी चीजें क्या है, जहर के जैसी होती है, उनको ऐसा लगा, ठीक है। और जहरीले कौन होते हैं, मीन्स जो आप जो पॉइजनस, कैसा कौन सा ड्रग होता है, मतलब पॉइजनस नेचर का होता है साइनोजेनेटिक कंपाउंड। तो यहां पर आपको इसी ट्रिक से कोरिलेट करके या क्या याद रखना था, बिटर एलमंड होता है जो कि क्या होते हैं, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के एग्जांपल है। जितने भी ये आपने जो आपका क्लास है इनको हमने ट्रिक के वाइज देखा है, एक अच्छी सा स्टोरी बनाकर जो आपको हमेशा यूजफुल होगा, तो हमें आपको जरूर से वो ट्रिक देखना चाहिए, उसके बाद से जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजिली से उसको कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले सदावरी इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ ग्लाइकोसाइड, फिर से उसी ट्रिक से क्वेश्चन आ गया भाई, उस ट्रिक से देखिए, यदि वो एक ट्रिक याद होना तो कईयों क्वेश्चन आपको इजली से सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है। ऑप्शन देख ले, स्टेरॉल, सेपोनिन, साइनोजेनेटिक एंड आइसोथायोसाइनेट। तो मैंने सतावरी से क्या याद रखाया था आपको, क्या याद रखना था, दो सांप थे, सांप से आपको क्या याद रखना है, सेपोनिन, जो कि सता रहे थे, याद आया, सांप थे जो कि सता रहे थे, तो सेपोनिन हो जाएगा, जो कि सता रहे थे, सतावरी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सारी चीजों को ट्रिक से याद रखना है, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ। नेक्स्ट है पेरवोसाइड इज नेचुरली ऑब्टेन फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, पेरवोसाइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कौन से यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से ड्रग में। ऑप्शन है डायस्कोरिया, थिवेट या लिक्यारिस पाजिया। तो आपने डायस्कोरिया को स्टडी किया, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डायोजेनिन, है ना, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह के सिंथेसिस में यूज होता है। फिर आपका जैसे कि लिक्यारिस की बात करें तो इसमें तो ग्लिसराइजिन प्रेजेंट होता है ना, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, लिक्यारिटिन, ग्लिसराइजिन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये हमने स्टडी पहले ही कर लिया, क्वाजिया के बारे में स्टडी कर लिया, ओके। तो आपका बचा क्या, थिवेटिया, जिसको हम क्या कहते हैं, अभी आपने क्या पढ़ा, लकी नट ट्री जिसको हम कहते हैं, याद करिए, येलो ओलियंडर जिसको हमने कहा था इनका सिवोनेम, है ना, सिनोनेम इसका जो था थिवेटिया। अब यदि हम लोग इसका केमिकल क्लास का पढ़ते हैं, केमिकल कॉन्स्टेंट की स्टडी करते हैं, तो इसमें प्रेजेंट होता है पेरवोसाइड, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है इसमें, पेरवोसाइड एंड थिवेटिन भी इसमें प्रेजेंट होता है, एपोसाइनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ओके, जान गए। ये जो आपका ड्रग है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थिवेटिया से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप जरूर से इसको हर गार्डन वगैरह में देखे होंगे, जिस चीज़ को आप डेली देख रहे हैं उनके बारे में जानते हैं कि नहीं, ये भी पूछना चाहेगा एग्जामिनर, है ना। इसीलिए जो आपको जैसे कि सेन्ना हो गया, ये थिवेटिया है, तुलसी वगैरह है, नीम है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में।
नेक्स्ट बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेनेगा इज, सेनेगा का बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया है, रूट ऑफ पेनेक्स सेनेगा, रूट्स ऑफ पॉलीकेला सेनेगा, राइजोम ऑफ अर्जिनिया इंडिका एंड नॉन ऑफ द अबो। सेनेगा का पूछा गया है कौन सा पार्ट, सबसे पहले तो हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं, तो हम लोग रूट पार्ट को यूज करते हैं, और यदि बात करें इनका बायोलॉजिकल सोर्स तो वह पॉलीकेला सेनेगा। ओके, ये नाम से ही क्लियर है, सेनेगा उसमें दिया गया था, तो पॉलीकेला सेनेगा इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है बाउची इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, बाउची को किस लिए यूज किया जाता है, इंफ्लामेटरी डिसीज, सोरिएसिस, लेप्रोसी, ऑल ऑफ द अबो। तो ये जो बाउची है बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, जिसको हम लोग इंफ्लामेटरी डिसीज में भी यूज करते हैं, सोरिएसिस के कंडीशन में भी करते हैं, और लेप्रोसी जैसे कंडीशन में भी यूज किया जाता है। ओके, बाउची जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चांग कहते हैं, सोरेलिया कोरेलिफोलिया इसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स है, लेग्यूमिनेसी फैमिली से और ये बिलोंग करता है। ठीक है, लेग्यूमिनेसी ड्रग है भाई, सेन्ना भी क्या है लेग्यूमिनेसी फैमिली, और कौन कौन से ड्रग है जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से आते हैं, चलिए कमेंट करते जाइए, एक बार आपका रिविजन भी यहाँ पर हो जाएगा। मिड इन हेयर ट्री इज सिनोनेम ऑफ, जिनको सिलामेरिन, बकवीट, सोरेलिया, क्या होगा करेक्ट आंसर, मिड इन हेयर किसको कहा जाता है, याद होगा तो कमेंट करते जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मिड इन हेयर कहा जाता है जिनको को, जिसको हमने क्या पढ़ा, हमने स्टडी किया था ना, जिनको बायलोबा के बारे में किया था कि नहीं, जो कि क्या है फ्लेवेनॉल, फ्लेवेनॉल ग्लाइकोसाइड्स के अंदर में आता है ये सारी चीजें। नेक्स्ट है एलो इज अ मिक्सचर ऑफ, एलो किन चीजों का मिक्सचर है ये पूछा गया है, मेन इनका केमिकल कॉन्स्टेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है बार्बलोइन रेन, बार्बलोइन एलोइमोडिन, पार्मिडिन, आइसोबार्बलोइन, बॉथ ए एंड बी। तो क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, देखिए बार्बलोइन तो इसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए सभी चीजों में दिया गया है बार्बलोइन, क्योंकि इसका क्या है एलो बार्बाडेंसिस, इसका क्या है एक स्पीसीज है जिसमें सबसे ज्यादा बार्बलोइन प्रेजेंट भी होता है, ठीक है हाई अमाउंट में। अब यदि बात करें यहाँ पर और केमिकल कॉन्स्टेंट का, तो इसमें प्रेजेंट था एलो इमोडिन, ठीक है एलो से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है एलो इमोडिन प्रेजेंट होता है, ये दोनों केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें प्रेजेंट होंगे एलोवेरा में। नेक्स्ट है याम इज ऑब्टेन फ्रॉम, याम, याम किसको कहते हैं, याद करिए डाइस्कोरिया का हम लोग क्या यूज करते हैं, याम करते हैं, इसको याम प्लांट कहा जाता है, आपको बताया था मैंने, आपने जिमीकंद वगैरह खाया है तो जो कंद है उसी को याम कहते हैं भाई, और कंद पार्ट कौन सा होता है इसमें से, क्या वो लीफ होगा, बिल्कुल भी नहीं, क्या वो स्टेम होगा, क्या वो ड्राइड एक्सट्रैक्ट होगा, क्या वो ड्राइड राइजोम है, कौन सा पार्ट है जो कि याम है, तो वो होता है आपका ड्राइड राइजोम। देखिए राइजोम पार्ट होता है ना कि रूट है, सबको क्या लगेगा रूट है, स्टेम इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, बट जो आपका याम होता है वो राइजोम पार्ट होता है, ड्राइड राइजोम और डायस्कोरिया डेल्टोइडा ये हमने स्टडी किया था। तो मैं हमेशा बोलूंगी पार्ट को भी आपको याद में रखना है। स्कैटर्ड बार्क इज अ सिनोनेम ऑफ, सिनोनेम से भी कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है तो स्कैटर्ड बार्क किसको कहते हैं, चलिए जान लेते हैं, जिनसेंग, स्क्वील, गोखरू एंड कैस्करा। तो आप ही बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बार्क है, आपको क्वेश्चन में ही दे दिया गया स्कैटर्ड बार्क, बार्क मीन्स जो पार्ट का हम बार्क को यूज करते हैं वो पार्ट आप जान गए तो आपको एक क्वेश्चन बहुत इजी था। जिनसेंग का क्या हम लोग कौन सा पार्ट यूज करते हैं, रूट पार्ट। स्क्वील का हम लोग क्या यूज करते हैं, उसका जो बल्ब होता है उसको यूज करते हैं। गोखरू का क्या पार्ट यूज करते हैं ये आप कमेंट करके बतलाते जाइए, कमेंट करते जाइए भाई, सारी चीजें हमने गोखरू के बारे में स्टडी किया, इनका यूजेस, बायोलॉजिकल सोर्स, तो कौन सा पार्ट यूज करते हैं ये आप बताएंगे। अब बच्चे जैसे कि कैस्करा, तो कैस्करा का हम लोग बार्क यूज करते हैं और यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी सिनोनेम है और ड्रग के यहाँ पर आपको लिस्ट कर दिया गया है टेबल में, ये टेबल को आप लोग स्नैप कर लीजिए क्योंकि बहुत काम में आने वाला टेबल है, सारे सिनोनेम यहीं पर मिल जाएंगे ग्लाइकोसाइड्स के, ठीक है रिवाइज करने के लिए ईजी होगा। नेक्स्ट है कैस्केरोसाइड ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कैस्केरोसाइड किसका एग्जाम्पल है भाई, ऑप्शन देख लीजिए, ओ ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड, एन एन एस, ओ एन सी ग्लाइकोसाइड। तो आपको मैंने एक चीज बतलाया था, अब आप सोचेंगे कि कैस्केरा मीन सी, सी से क्या हो जाएगा आपका सी ग्लाइकोसाइड, तो आप फट से जाकर बी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं है, कैस्केरा ही ऐसा ड्रग है जहां पर आपको सी और ओ ग्लाइकोसाइड दोनों को देखने को मिलते हैं, ये चीज मैंने आपको बतलाई थी याद होगा फर्स्ट लेक्चर में। तो भले आपको ट्रिक में हमने बताया था सी ग्लाइकोसाइड ए सी सीमेंट करके, बट ये भी एक चीज है कि कैस्केरा में दोनों ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, सी टाइप का भी और ओ टाइप का भी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओ एन सी, और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से पूछ लिए जाते हैं, इनको आप लोग को स्टार मार्क लगा लेना है और ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वाइल्ड चेरी बार्क कंटेन
प्रूनासीन विच इज अ, ठीक है, जो वाइल्ड चेरी बार्क हमने स्टडी किया ना, जो कि कहाँ, जब जो आपकी क्वीन थी वो जाती थी कहाँ, जंगल में गई, ठीक है, वाइल्ड मीन्स क्या हो गया, जंगल में, और क्या लेने गई, चेरी लेने गई, ये हमने स्टडी किया ना, तो इसमें प्रेजेंट होता है यही वाइल्ड चेरी बार्क में प्रूनासीन, इसका केमिकल कॉन्स्टेंट है। अब देखिए फिर हमने क्या स्टडी किया था, वही जो ट्रिक है उसको दोहराइए, जो उसका चेरी था बहुत ही बिटर था तो पता चला कि ये पॉइजनस हो सकता है, और पॉइजनस कौन से ड्रग होते हैं, तो है साइनोजेनेटिक कंपाउंड, है ना। तो इजली से इस प्रकार से कोरिलेट करके ट्रिक से याद हो जाएगा आपको कि ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, जो कि है डी ऑप्शन, ठीक है, इसके लिए हमने ट्रिक देख लिया है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉकनियल इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये जो कॉकनियल है किसमें प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट में। मैंने आपको बताया था अभी तक हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, प्लांट, ठीक है, सिर्फ प्लांट से ओरिजिनेट ड्रग, बट ये जो ड्रग है जो कि ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग है, जो कि इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट से ऑप्टेन होता है। कॉकनियल क्या है, एक इंसेक्ट है, ये जो आपका कॉकनील है यूज कैसे होता है, किस चीज के लिए यूज में आता है, रेड कलर का डाई, ठीक है, रेड डाई के लिए यूज में आता है, रेड कलर का ये इंसेक्ट होता है। तो इसमें जो प्रेजेंट होता है कौन सा ऐसा ड्रग है, जो कि है कार्मिनिक एसिड, ये ध्यान रखिए, कार्मिनिक एसिड होता है जो कि यूज होता है रेड डाई की तरह, ठीक है, इस प्रकार से रहता है वो इंसेक्ट, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। नेक्स्ट है इंडियन एंड इजिप्टियन सेन्ना लीव्स डिफर फ्रॉम इच अदर विच रिस्पेक्ट टू, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों में जो इंडियन और इजिप्टियन है, टू टाइप की सेन्ना लीव हमने स्टडी किया था ना, अलेक्जेंड्रियन सेन्ना एंड इंडियन सेना, इसके लिए भी हमने देख लिया है, आंसर करते जाइए, टीनी वली वाला किया था ना, जो सेनापति था, है ना, उसकी बेटी थी, ये सारी चीज़ें अच्छे से स्टडी की थी, मैं बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगी। नेक्स्ट है तो देखिए क्या क्या इसमें ऑप्शंस है, वेन आइसलेट नंबर, स्टोमाटल इंडेक्स, कलर एंड ऑल ऑफ द बो, तो क्या क्या चीज़ें इसमें अलग होती है जिनसे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जैसे आपको दिया गया इंडियन सेना और दिया गया इजिप्टियन सेना, तो आप लोग कैसे उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस बेसिस पे, ठीक है, तो वेन आइलेट नंबर के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, स्टोमाटल इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं, और कलर के थ्रू भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेन आइलेट नंबर भी डिफर होता है। ओके, जैसे कि ये लीव दिया गया, वेन आइलेट नंबर क्या है ये भी हमने डिस्कस किया था आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में, पर भी मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ, ये जैसे कि आपका लीफ है, ठीक है, तो ये उनके क्या होती हैं, वेन होती हैं, जैसे कि आपके हैंड में बहुत सारे वेन है ना, वैसे ही, ठीक है, अब ये क्या बने हुए हैं, इनमें और ब्रांचेस होती हैं, इनके क्या कहलाते हैं, ये वेन आइलेट कहलाते हैं, एक प्रकार से क्या बना लेते हैं, ये आइलैंड बना लेते हैं, ठीक है, इसको वेन आइलेट कहते हैं। अब यहाँ पर जो एंड हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेन टर्मिनेशन, जो टर्मिनेट हो गया तो इसको वेन टर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है, तो वेन आइलेट नंबर और स्टोमाटल इंडेक्स, पैलिसेड रेशियो, ये तीन चीज एडल्ट्रेशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी किया जाता है, यदि सेन्ना में अडल्ट्रेशन कर दिया गया है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यही तीनों चीज़ों के हेल्प से, ये बात भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, ये चीज़ें भी आपको पूछ सकता है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब यदि कलर की बात करेंगे तो देखिए येलोइस कलर का होता है आपका जो इंडियन सेन्ना है, ठीक है, ये इंडिया में इस प्रकार से सेन्ना आपने देखा होगा, बट यदि अलेक्जेंडियन सेन्ना की बात करते तो वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, आपका ग्रेइश ग्रीन कलर का होगा जो अलेक्जेंडियन सेन्ना है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ बार्बलोइन प्रेजेंट इन इंडियन वेराइटी ऑफ एलोवेरा इज, जो इंडिया में प्रेजेंट है एलोवेरा, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन वेराइटी को एलोवेरा कहते हैं, उसमें बार्बलोइन कितने प्रेजेंट में है, कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस है 8-10%, 3.5-4, 1-1.5%, कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है भाई बार्बलोइन, जो कि मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट होता है एलोवेरा का, तो वो होता है 3.5-4% प्रेजेंट होता है हमारे इंडियन वेराइटी में। ओके, और सबसे ज़्यादा कौन से वेराइटी में प्रेजेंट होता है, जो इसका नाम ही है एलो बार्बाडेंसिस, इसीलिए इसका जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है बार्बलोइन इसका नाम पड़ा है, ठीक है, ये जान गए। नेक्स्ट चले, खेलिन इज एन एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ, किस में प्रेजेंट होता है, किसको कहते हैं खेलिन, ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया है। ऑप्शंस है बार्लेरिया, प्रियोनाइटिस, टर्बुलस, टेरिस्टेरिस, एमिविस्नागा, वेनेलिया, प्लानीफोलिया, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर भाई बताइए, खेलिन किस में प्रेजेंट होता है, जो यदि हम लोग बात करें टर्बुलस टेरिस्टेरिस, तो ये क्या हो गया, ये तो गोखरू है, तो ये तो हो जाएगा क्या, कट यहाँ पर।
अब यदि बात करते हैं एमी विस्नागा की, ठीक है, एमी विस्नागा ही एक ऐसा ड्रग है जिसको हम खेलिन भी कहते हैं, ओके, और यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बार्लेरिया पेरियोनाइटिस जिसमें प्रेजेंट होता है पेरियोनोसाइड, ठीक है, और ट्रिबुलस टेरिस्टाइस को आपने बता ही दिया गोखरू इसको हम कहते हैं। एमी विस्नागा को ही क्या कहा जाता है, खेलिन और विस्नागिन, ठीक है। इसमें जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होता है वो है खेलिन और विस्नागिन, जो कि क्या है एमी विस्नागा का केमिकल कॉन्स्टेंट है। तो इस प्रकार से देख लीजिए टेबल फॉर्म में आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, क्या पता अगली बार आपको ट्रिबुलस टेरिस्टाइस का केमिकल कॉन्स्टेंट पूछ लिया जाए, इसीलिए सारे जितने भी ऑप्शन हैं उनको आपको एक बार रीड आउट कर ही लेना है, ठीक है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम बता रहे हैं उनको आपको ध्यान में रखना है कि उस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जितने भी ट्रिक बतला रहे हैं उनको भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि इसी ट्रिक से कई क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं और आपको फिर किसी चीज़ को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है यदि आपको ट्रिक याद है तो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको रिलेट करके सारी चीज़ों को याद रखते चलना है, इसी प्रकार से हम लोग सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करते जाएंगे जिससे कि आपको अपना फार्मासिस्ट एग्जाम आप इजिली से क्लियर कर लें, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इन वीडियोस को आप लोग शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी सारी बेनिफिट मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल दी बेस्ट।